साथियों नमस्कार। जब भी कोई गाय भैंस बीमार होती है और वहाँ अगर ताज़ा ब्याई हुई है, यानी स्थिति अभी अभी बच्चा दी हुई है, तो वहाँ कुछ इंजेक्शन ऐसे हैं जो किसी भी सूरत में आपको नहीं लगाने चाहिए। हाँ, इन इमरजेंसी या पशु चिकित्सक महोदय ने कम्प्लीटली सोच लिया है कि इनके बिना काम होगा ही नहीं, पशु की जान नहीं बचेगी, उसी सूरत में उन इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। अदरवाइज़ कभी भी इन इंजेक्शनों का इस्तेमाल इस कंडीशन में नहीं करते हैं। ये टोटली 7-8 ऐसे इंजेक्शन हैं जिनके बारे में आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो कि किसी भी सूरत में आप ताज़ा ब्याई हुई गाय भैंस को ना लगाएं, नहीं तो पशु पालक बहुत ज़्यादा आपसे नाराज़ होंगे, क्योंकि वो पशु तो ठीक हो जाएगा लेकिन किसी भी सूरत में उसका दूध वापस नहीं आएगा, और अगर दूध नहीं आएगा तो दोबारा आपको कभी नहीं बुलाया जाएगा। जो प्रैक्टिशनर भाई जो हैं वो पशु चिकित्सक की देख रेख में काम कर रहे हैं, उन्हें पूरा सोच लेना है कि ये इंजेक्शन पशु चिकित्सक की पूर्ण देख रेख में ही लगाना है। अगर किसी भी सूरत में इनको इनका इस्तेमाल अगर गलत तरीके से हुआ तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, पशुपालक की दृष्टि से भी, पशु की दृष्टि से भी, और आपके प्रोफेशन की दृष्टि से भी। तो ये विशेष ध्यान रखिए। वो इंजेक्शन कौन कौन से हैं? नंबर वन मैं अगर बात करूँ तो वो इंजेक्शन है स्टेरॉइड। स्टेरॉइड्स जो होते हैं नॉर्मली जो फील्ड में यूज होते हैं स्टेरॉइड, वो 5 स्टेरॉइड यूज होते हैं, जिनमें से डेक्सामेथासोन है, जिनमें से प्रेडनिसोलोन है, जिनमें से बेटामेथासोन है, आइसोफ्लुफेराडोन है और ट्रिमसेनोलोन है। तो इनमें से अगर कोई भी इनमें से प्रोडक्ट यूज कर लिया गया गलती से भी, तो वो दूध सुखा देता है। यहाँ कई भाई कहते हैं कि आइसोफ्लुफेराडोन दूध कम सुखाता है, लेकिन भाई वो भी दूध का दुश्मन है। जितने भी ये स्टेरॉइड हैं वो दूध सुखा सकते हैं। हाँ, कोई ऐसी बीमारी हो गई, पशु चिकित्सक महोदय ने ऐसी बीमारी डायग्नोस कर दी जो इनके बिना ठीक नहीं होती, तो वहां एक बात अलग है, बाकी किसी भी सूरत में इनका इस्तेमाल जहां तक हो सके दुधारू गाय भैंस पर ना ही करवाया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। नंबर वन। नंबर टू बात होती है कि जब भी प्रोलप्स फूल पाचा की शिकायत होती है ना, उस समय अक्सर प्रैक्टिशनर गलती कर देते हैं। और गलती क्या होती है? हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन, यानी जो प्रोजेस्टेरोन के एनालॉग्स होते हैं, ड्यूराप्रोजन हुआ या हाइप्रोजन हुआ, इनमें से किसी भी इंजेक्शन का इस्तेमाल करवा दिया जाता है और फिर वो गाय भैंस दूध पे नहीं आ पाती है। हो सकता है जिस यूज़ के लिए आपने उपयोग किया है, जिस कार्य के लिए उपयोग किया है, वो हो जाए लेकिन दूध सूख जाता है। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखा जाए कि दूध किसी भी सूरत में सूखने ना दिया जाए। अगर कोई भी दुधारू गाय भैंस का इलाज करना पड़ रहा है, और ये इंजेक्शन तो लगाना ही नहीं है, इसके अलावा भी अगर एंटीबायोटिक भी लगाना पड़े तो उसके साथ हमेशा ही कैल्शियम का इंजेक्शन और बी कॉम्प्लेक्स इंजेक्शन ज़रूर लगवाएं। चाहे कोई भी स्थिति है, हमने हर एक स्थिति के लिए आपको अलग अलग बता रखा है कि हाई फीवर में कौन सा लगेगा, लो में कौन सा लगेगा, नॉर्मल टेम्परेचर में कौन सा लगेगा। तो पूरा ध्यान रख करके अगर काम किया जाए तो कभी भी फील्ड से शिकायतें नहीं आएगी। इसके अलावा प्रैक्टिशनर्स के लिए ही इसी 21 तारीख से ऑनलाइन सेशन शुरू हो गया है, और ये ऑनलाइन सेशन हर महीने की 21 तारीख से शुरू होता है, जिसमें कि ऑल ओवर बीमारियों को इस तरीके से लिया जाता है कि अगर आपने इसका एक पार्ट भी ज्वाइन कर लिया ना, तो आप खुद कह देंगे कि वाकई ये सेशन लाइफ चेंजिंग सेशन है। तो रामावत एनिमल ऐप पर जाइए, वेट क्लास में जाइए, और वहाँ जाकर के एक डेमो क्लास भी आपको मिलेगी, फ्री क्लास भी आपको मिलेगी। तो वहाँ जाकर के अगर आपको अच्छा लगे तो ज्वाइन कर सकते हैं।